हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रेन यात्रा पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम ट्रेन नंबर 22937 राजकोट से चलकर रीवा को जाने वाली राजकोट रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में, जो कि जाती है वाया अहमदाबाद जबलपुर। जानेंगे इस ट्रेन की सारी जानकारी, इसके कितने हॉल्ट है बीच में। मिलता हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हर रेल यात्रा से पहले एक बार हो जाए ट्रेन यात्रा। दोस्तों, 22937 राजकोट रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है और इस ट्रेन की देखरेख वेस्टर्न रेलवे जोन करती है। हरी झंडी दिखाया गया था 5 जनवरी 2015 को। ये एक वीकली ट्रेन है। ये ट्रेन राजकोट से हर रविवार संडे को खुलती है रीवा के लिए। दोस्तों, 1602 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस ये ट्रेन अपने 27 घंटे 15 मिनट पूरा करती है। इसके राजकोट से लेकर रीवा तक 22 हॉल्ट आते हैं 59 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से। और दोस्तों, इस ट्रेन के रूट के बारे में बात करूं तो ये ट्रेन राजकोट से खुलकर अहमदाबाद, वडोदरा जंक्शन, सूरत, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, कटनी के रास्ते रीवा तक जाती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है इस रूट पर चलने के लिए। जो यात्री राजकोट से अहमदाबाद वाया जबलपुर रीवा तक ट्रैवल करते हैं, पेंटी कार की सुविधाओं को बात करूं तो इस ट्रेन में कोई पेंटी कार का कोच नहीं है। हालांकि अगर आपको बाहर से खाना मंगाना है तो उसके लिए आपको इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग या फिर बाहर से ही सुविधा के लिए ई कैटरिंग सुविधा मिल जाएगी। लोकोमोटिव की बात करूं तो इस ट्रेन में राजकोट से लेकर अहमदाबाद तक वटवा सेट का WDM3 लोकोमोटिव यूज होता है, डीजल वाला। वहीं अहमदाबाद से लेकर इटारसी तक इस ट्रेन में वडोदरा सेट का WAP4E लोकोमोटिव यूज होता है, इलेक्ट्रिक वाला। वहीं इसका इटारसी में फिर लोकोमोटिव चेंज होता है। इटारसी से आगे रीवा तक पूरी आधी इटारसी से आगे की यात्रा में कटनी सेट का WDM3A या फिर कभी इटारसी सेट का WDM3A दोनों डीजल लोकोमोटिव यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं राजकोट रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में, इसका कितना किराया है राजकोट से लेकर रीवा तक का। दोस्तों, इस ट्रेन में ICF रेक यूज़ हो रहे हैं। इस ट्रेन में सेकेंड AC क्लास का एक डब्बा होता है जिसका किराया है 2,505 रुपये पर पर्सन राजकोट से रीवा। थर्ड AC क्लास की बात करूं तो इस ट्रेन में थर्ड AC क्लास के दो डब्बे होते हैं जिसका किराया है 1,720 रुपये पर पर्सन राजकोट से रीवा। वहीं राजकोट रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में स्लीपर के डब्बे होते हैं 6 जिसका किराया है 650 रुपये पर पर्सन राजकोट से रीवा। वहीं इस ट्रेन में जनरल के डब्बे भी होते हैं 6 जिसका किराया है 367 रुपये पर पर्सन। दोस्तों, ये अपडेटेड किराया नहीं हो सकता है। अपडेटेड किराया जानने के लिए रेलवे की वेबसाइट उनके टिकट काउंटर पर जरूर कंफर्म करें। अब बात करते हैं राजकोट रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल, रूट, हॉल्ट के बारे में, कब अपने स्टेशन पहुँचती है, कब वहाँ से डिपार्च करती है। दोस्तों, ये ट्रेन राजकोट से हर संडे को, हर रविवार को दोपहर में 1:30 पर राजकोट के प्लेटफॉर्म 3 से रवाना होती है रीवा के लिए। अब ये पहुंचती है वांकानेर जंक्शन दोपहर में 2:13 पर। वांकानेर जंक्शन में इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। दोपहर में 2:15 पर यहां से रवाना होती है प्लेटफॉर्म 1 से रीवा के लिए। अब राजकोट रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंचती है सुरेंद्रनगर जंक्शन शाम को 3:14 पर। यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। शाम को 3:16 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म 2 से। अभी पहुँचती है वीरमगाम जंक्शन शाम को 4:23 पर। वीरमगाम जंक्शन में इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। शाम के 4:25 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म 2 से। अभी ट्रेन पहुँचती है अहमदाबाद जंक्शन शाम को 5:35 पर। यहाँ पे इसका 20 मिनट का हॉल्ट है। शाम के 5:55 पर यहाँ से रवाना होती है रीवा के लिए। अब ट्रेन पहुँचती है दोस्तों नडियाद जंक्शन शाम के 6:44 पर। नडियाद जंक्शन में इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। शाम के 6:46 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म 1 से। अब राजकोट रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुँचती है आनंद जंक्शन शाम के 7:04 पर। 2 मिनट रुककर शाम के 7:06 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म 4 से। अभी पहुँचती है वडोदरा जंक्शन रात में 8:09 पर। 5 मिनट रुककर रात के 8:14 पर यहाँ से रवाना होती है रीवा के लिए। अभी पहुँचती है भरूच जंक्शन रात में 9:13 पर। भरूच में इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। रात के 9:15 पर भरूच के प्लेटफॉर्म 4 से रवाना होती है। दोस्तों, अभी पहुँचती है सूरत रात में 10:30। सूरत में इसका 10 मिनट का हॉल्ट है। रात के 10:40 पर सूरत के प्लेटफॉर्म 2 से रवाना होती है रीवा के लिए। अब राजकोट रीवा एक्सप्रेस पहुंचती है नंदूरबार रात में 1:05 रुककर।
नंदुरबार के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होती है रात के 1:05 पर। अभी पहुंचती है अमलनेर रात के 2:32 पर। अमलनेर में इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। रात के 2:34 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रीवा के लिए। अब ये ट्रेन पहुँचती है जलगांव जंक्शन सुबह में 3:35 पर। जलगांव में इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। सुबह के 3:40 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। अभी पहुँचती है भुसावल सुबह के 4:15 पर। भुसावल में इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। सुबह के 4:20 पर यहाँ से रवाना होती है दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 8 से। अभी पहुँचती है बुरहानपुर सुबह के 5:01 पर। बुरहानपुर में इसका 1 मिनट का हॉल्ट है। सुबह के 5:02 पर बुरहानपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होती है। अभी पहुँचती है दोस्तों खंडवा जंक्शन सुबह में 6:27 पर। खंडवा में इसका 3 मिनट का हॉल्ट है। सुबह के 6:30 पर खंडवा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होती है। अब ये ट्रेन पहुँचती है इटारसी जंक्शन सुबह में 9:10 पर। इटारसी में इसका 10 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 9:20 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। अब ये पहुँचती है पिपरिया सुबह में 10:23 पर। पिपरिया में इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 10:25 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अब ये पहुँचती है नरसिंहपुर सुबह में 11:22 पर। नरसिंहपुर में इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 11:24 पर यहाँ से रवाना होती है रीवा के लिए। अब ये पहुँचते जबलपुर जंक्शन दोपहर में 12:40 पर। जबलपुर में इसका 10 मिनट का हॉल्ट है। दोपहर में 12:50 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना होती है। अब ये पहुँचती है कटनी जंक्शन दोपहर में 2 बजे। कटनी में इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। दोपहर के 2:05 पर कटनी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होती है। अब ये ट्रेन पहुँचती है मैहर दोपहर में 2:50 पर। मैहर में इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। दोपहर में 2:52 पर मैहर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है रीवा के लिए। अब राजकोट रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुँचती है सतना जंक्शन यहाँ पहुँचती है शाम को 3:25 पर। सतना जंक्शन में इसका 10 मिनट का हॉल्ट है। शाम को 3:35 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अब राजकोट रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने डेस्टिनेशन पहुँचती है रीवा शाम को 4:45 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगती है अपनी 1602 किलोमीटर की दूरी तय करके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।